मैं तो लैपटॉप फ्री भी देता हूँ, जिसने ब्रीड ही नहीं किया कहीं और से उठा के दे रहा है, वो आपको गारंटी कैसे दे सकता है? जो आम लोग होते हैं, हाँ जी, होम से लोग होते हैं, वो क्लब में नहीं आते, मतलब शो में नहीं आते, 50 ब्रीडर वही रिपीट होते हैं। आपको कैसे लगा? जस्ट डॉग तो हम फ्री दे देंगे, हमसे कोई डॉग लेता है उसको 21 दिन की ट्रेनिंग फ्री दे रहे हैं। और जजेस हर बार किसी को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, एक आधे में 3 लाख खर्चा आ जाता है, और कोई पैसे नहीं आते। और कौन से आते हैं जजेस जो होते हैं डॉग शो में आते हैं, कहीं करप्शन में फंसे हो? तो बड़े नवाब साहब जजिंग कर रहे थे, छोटे नवाब साहब जो अंबाला शो में। जय हिंद दोस्तों, मैं जेम्स वैली लैब्राडोर से केवल कृष्ण बोल रहा हूँ। जेम्स वैली लैब्राडोर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब में लोकेटेड है, गुरदासपुर जो कि होली सिटी है। हम यहाँ पर अंडर केसीआई ईयरली डॉग शोज भी कराते हैं। गुड इवनिंग केवल जी, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं जी। पहले तो स्कूबर में आपका स्वागत है केवल जी। आपका भी धन्यवाद है। आज हम केवल जी थोड़े से क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो शायद आपके नैतिकता के विरुद्ध भी जा सकते हैं। ऐसा आप कुछ नहीं पूछ सकते, जो भी पूछेंगे अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पूछेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम वैसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जिससे लोगों को ज्ञान मिले। बिल्कुल। और एक लैब्राडोर का जो स्टैंडर्ड मेंटेन है उसके हम तहत ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। पूछिए जी, जो मैं अपने अनुभव के अनुरूप आपसे जो भी होगा अपना आपसे शेयर करूँगा। पहले केवल जी, आपने लैब्राडोर चूज क्यों किया ब्रीडिंग करने के लिए? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। लैब्राडोर सबसे लॉयल ब्रीड है, सबसे प्यारी ब्रीड है, और ये सबसे इजी है। जैसे जो इंपोर्ट ब्रीड्स और भी आते हैं, नेपोलियन मिस्टिफ है, फ्रेंच मिस्टिफ है, बुलडॉग है, वो बीमार रहती हैं, वो पूरा 2 साल ठीक नहीं रहती। ये सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम में परफेक्ट ब्रीड है, और बड़ा प्यारा होता है, और हमारी बात को बड़ा समझता है। सारी ब्रीड्स में ये गुण नहीं है। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा केवल जी? एक्सपीरियंस मेरे तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। आप देख ही रहे हो, जो लैब्राडोर ने हमारी टीम को सम्मान दिलाया है, रॉबिन को, मुझे, रोहित मिश्रा जी, जसकरण जी, हम पूरी टीम मेंबर हैं, जो पूरे देश विदेश में हमें प्रसिद्धि दिलाई है, वो इसी ने दिलाई है जी। हम स्वयं ये काम नहीं कर सकते थे, कभी भी इस जन्म में नहीं कर सकते थे। और केवल जी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपने यूरोपियन लैब्राडोर ही क्यों चुने? ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। यूरोपियन लैब्राडोर का स्टैमिना सबसे ज़्यादा होता है। लैब्राडोर एक रिट्रीवर ब्रीड है। लैब्राडोर, अगर आपका लैब्राडोर पानी में जाके मछली को पकड़ के नहीं ला सकता तो लैब्राडोर में कौन नहीं होगा। अगर 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर ये आपके साथ नहीं जा सकता तो उसको हम रिट्रीवर नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। इसका स्टैमिना सबसे ज़्यादा है। जे अपना जैसे हम शो करते हैं तो अपना स्टैमिना छोड़ता नहीं है। टेल सेट इसका सबसे अच्छा रहता है, फ्रंट इसका अच्छा है, मूवमेंट सबसे बढ़िया इसकी है। हमें शौक है लैब्राडोर में शोज में विनिंग करने का। हम ब्रीडिंग करते हैं अपनी आत्मा की खुशी के लिए, ना कि किसी के लिए करते हैं, ठीक है जी। तो शोज में जो विनिंग है वो बिंगो की सबसे ज़्यादा रही है। जो यूरोपियन टाइप के लैब्राडोर हैं वही शोज में ज़्यादा जीतते हैं, इसलिए हम यूरोपियन लाइन के साथ चले हैं। इसकी मूवमेंट किसी भी डॉग को, किसी भी ब्रीड के किसी भी डॉग को जिताने में सबसे ज़्यादा रोल होता है मूवमेंट का। तो सबसे बढ़िया मूवमेंट इसी की होती है, इसी टाइप की होती है। अगर आप ज़्यादा बल्कि ज़्यादा फूला हुआ डीला डाला डॉग ले लोगे तो एक चक्कर लगा के सांस फूल जाएगी। केवल जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप गुरदासपुर कैनल क्लब के प्रेसिडेंट भी हो, हाँ जी, ये आपको कैसे बनाने की क्या योजना आई कि मैं क्लब बनाता हूँ, और आपने इसको कैसे ज्वाइन किया? कैसे ज्वाइन किया ये मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, जो हमारे गुरदासपुर शहर के अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं, मिस्टर प्रदीप सिंह सैनी रोटवेलर के बहुत पुराने ब्रीडर हैं, हेमंत सिंह सेखो जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं, TM के वो सबसे अच्छे ब्रीडर हैं, गुरिंदर सिंह असल जो जर्मन शेफर्ड के टॉप के ब्रीडर हैं, गुरमीत सिंह जो रोटवेलर के ब्रीडर हैं, दुर्लभजीत सिंह गुराया लैब्राडोर के ब्रीडर हैं, मनजोत सिंह बाजवा सेंट बर्नार्ड के ब्रीडर हैं, दिलशेर सिंह जी वो भी लैब्राडोर और रोटवेलर ब्रीड करते हैं, मिस्टर राजेश सोनी हैं वो बीगल पग और लैब्राडोर ब्रीड करते हैं। तो हाँ, हम जैसे शोज अटेंड करना चाहते थे, गोवा गए हैं, बेंगलोर गए हैं, भुवनेश्वर गए हैं, गुवाहाटी, मैंगलोर, मतलब ऑल ओवर इंडिया में हम जाते थे। तो हमारे दिल में भी ये एक ख्वाहिश पैदा हुई कि जैसे हम दूसरे शहरों में जा रहे हैं तो लोग हमारे शहर में भी कुछ प्रोग्राम देखने आए। मेरे शहर में कोई मेगा इवेंट नहीं होता, वो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है और बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर लोकेटेड है। तो फिर हमारे मन में ये इच्छा पैदा हुई क्यों ना हम अपने शहर में शोज़ कराए जाएँ। तो जो अगर शहर में शोज़ कराना है तो फिर हुआ कि अगर शोज़ ही कराना है फिर अंडर केसीआई शोज़ कराते हैं।
फिर सब ब्रीडर्स ने मिलके ये हमारी टीम बनी। टीम में मुझे जिसको जो बार सौंपा गया सब ने अपने अपने बार का ईमानदारी के साथ पालन किया है। मुझे प्रेसिडेंट का ओहदा मिला है, प्रदीप सैनी जी हमारे सेक्रेटरी हैं, दुर्लभ जय सिंह जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, गुरमीत सिंह जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेको साहब चेयरमैन हैं, गुरिंदर सिंह जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ऐसे सभी को बाजवा जी हैं, सोनी साहब हैं, ऑडिटर हैं, दिलशेर जी हैं, सबको जो जो हमने ड्यूटीज बांटी की क्लब ने, सब ने ईमानदारी के साथ उसका वहन किया। शोज इसलिए कराए जाते हैं कि हम लोगों को जागरूक करें कि ब्रीड क्या होती है, ब्रीड का स्टैंडर्ड क्या होता है, किसी भी ब्रीड को सोशल कैसे किया जाता है, लोगों की जानकारी बढ़ती है, हॉबी के साथ साथ प्रोफेशन भी बढ़ता है, दोनों काम होते हैं, हॉबी भी पूरी होती है और इसमें प्रोफेशन भी, हम इसको प्रोफेशन के तौर पे हम इसको अपना सकते हैं, ये एक अच्छी ऑप्शन है, इसलिए हमने गुरदासपुर ज़िले में शोज कराने का फैसला किया। केवल जी सबसे बड़ा क्वेश्चन क्यों आता है, जैसे लैब्राडोर तो बाहर से 10,000-15,000 इतने में मिल जाएगा आपको? हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, अब आपके कैनल से लैब्राडोर लेने का क्या मोटिव होना चाहिए, कस्टमर क्यों इतने पैसे पेड करे? ये पैसे की तो इसमें बात ही कोई नहीं है, मैं तो लैब्राडोर फ्री भी देता हूँ, ये चीज़ें पैसे से नहीं मिलती हैं। मुझे कोई 10,00,000 रुपये देगा तो मैं अपना बच्चा उसको नहीं दूंगा, प्यार से मांगे तो फ्री में ले जाएगा, पैसे वाला इसमें कोई रोल नहीं है। हम अपने लैब्राडोर उस लोगों को देते हैं जिनको शोज करना आता है, जिनको हैंडलिंग करनी आती है, जिनको ब्रीड स्टैंडर्ड का पता है और जो शोज में जा सकते हैं। शोज में जाना है उसके लिए पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसे का कोई भी इसमें रोल नहीं है। आप में गुण होना चाहिए कि हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, जजेस को कैसे दिखाना है, अपनी ब्रीड कैसे दिखानी है। नहीं केवल जी आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बाहर 15,000 का 20,000 का लैब्राडोर मिलता है, हाँ जी, तो एक अच्छे ब्रीडर से क्यों हम लैब्राडोर लें, क्या उसमें गारंटी रहती है कल को कुछ, या कोई ब्रीडर उसको शो के लिए कंपैटिबल अगर वो लैब्राडोर ना निकले तो उसका आप क्या करते हो, क्या उसको कॉन्फिडेंस? यहाँ पर आपने जैसे आपको चीज़ परचेज करते हो तो आपका दिमाग होना चाहिए कि मैं जिस घर में जा रहा हूँ क्या ये सर्टिफाइड ब्रीडर है कि जिस पेट शॉप वाला है कि जहाँ डीलर है। यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रीडर पशुपालक, एक होता है डीलर जो दलाली का काम करता है। आप अपने दिमाग से अपनी सोच से देखिए कि हम किसके पास जा रहे हैं, डीलर के पास जा रहे हैं या ब्रीडर के पास जा रहे हैं। डीलर के पास जाएंगे तो उसको होगा कि मैंने एक बच्चा बेचना है, चाहे मुझे 2,000 बचे, चाहे 5,000 बचे, चाहे 500 बचे, चाहे पेंट करके बच्चा बेचूँ, चाहे उसके बाल काट के बेचूँ। वो डीलर की अपनी सोच होती है, उसको शाम को 500, 1,000, 2,000 रुपये गेन करने होते हैं। तो जो पशुपालक होते हैं उसको होता है मेरा नाम आगे चले, जो मैं बच्चा किसी को दूँ तो ये शोज़ में जाए, शोज़ में प्रेजेंट हो, तो फिर वो लोग बोले हाँ जी जी फलां फलां ब्रीडर का बच्चा है, ये शोज़ में देखिए शो हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन दे रहा है। जीतने हारने की उसमें बात नहीं आती है कि शोज़ में जाके आफ्टर ऑल जो इतने बड़े बड़े लैब्राडोर आए होंगे या कोई भी ब्रीड के डॉबरमैन आए होंगे या कोई भी ब्रीड जर्मन शेफर्ड हस्की, उनके साथ जाके खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। सब कुछ जीतना हारना नहीं होता है। अगर हम आपसे डॉग लेते हैं, हाँ जी, तो कल को उसको HD की प्रॉब्लम आ जाए, ED की प्रॉब्लम आ जाए, या फिर काउ हुक्स हो जाए उसकी लेग्स, या उसकी बाइट आउट हो जाए, हाँ जी, तो शो का तो स्टैंडर्ड रहेगा नहीं, तो उसमें आपका गारंटी वारंटी क्या रहता है? जो जो आपने बातें कही हैं, हिप डिस्प्लेसिया, बाइट की, टेस्टिकल की, अगर आप मुझसे लेते हो या जो हमारे पुराने ब्रीडर्स हैं उनसे लेते हो तो उनकी 100% गारंटी ये रहती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ एक पेट शो वाले से लेते हो तो वो प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी आएंगी या नहीं भी आएंगी, फिर बात घूम फिर के वही आती है कि आप जिस दुकानदार के पास जा रहे हो या जिससे लेने जा रहे हो वो दुकानदार है, सेल परचेज वाला है या ब्रीडर है या डीलर है। आपने अपने दिमाग से देखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आजकल कस्टमर भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो जिसने अपने घर में चीज़ ब्रीड की है वो तो आपको हर प्रकार की गारंटी दे सकता है कि ये फला फला ब्लड लाइन है, इसमें हिप डिस्प्लेसिया नहीं आएगा। तो जिसने ब्रीड ही नहीं किया, कहीं और से उठा के दे रहा है, वो आपको गारंटी कैसे दे सकता है? नहीं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मैं अगर 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ, हाँ, कि मुझे शो के लिए डॉग चाहिए, हाँ, कल को उसके दांत बाहर आ जाएं या उसको कॉ हुक्स हो जाएं या उसकी HD की प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा चेंज होना चाहिए, ये ब्रीडर का एक नैतिकता फर्ज बनता है कि उसका। मुझे नहीं पता आप किस ब्रीडर से मिले हैं, अगर आप मुझसे परचेज करोगे लैब्राडोर तो मैं पहले आपसे पूछूंगा क्या आपके पास 2,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है,
अगर आपके बोलेंगे मेरे पास 2 लाख नहीं है तो मैं आपको डॉग के लिए नहीं करूँगा, फिर वो यही बोलूँगा आप पेट शॉप से कोई एक पेट डॉग ले लीजिए और अपना शौक चाहो अपना पूरा कर लीजिए। अगर आप शौक वाले डॉग चाहते हैं तो आपके पास 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा होने चाहिए और इसके लिए कम से कम आपके पास 10 मरला जगह एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अगर आप शोज में जाना चाहते हैं, जस्ट घर में फन के लिए रखना, तो आप कोई भी लैब्राडोर कहीं से भी लेकर रख लो, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब इनके साथ हमारे साथ सोता साहब हैं, जो रॉबिन जी, जो एक KCI के सर्टिफाइड ट्रेनर है। भैया लैब्राडोर आसान है ट्रेनिंग करने के लिए या जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर? सर एक फैमिली डॉग है तो घर के लिए बहुत ही इसकी ट्रेनिंग भी ईजी है, तो ये एक फ्रेंडली डॉग है सर, इसीलिए घर में रखना चाहिए। केवल जी एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ मैं, क्लब रिलेटेड है। हाँ जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हाँ जी, जैसा कि क्लब हमने देखा है, हमने भी पिछले साल 50 से 60 शो कवर किए हैं स्कूबर्स में, ठीक है, हमने देखा कि जो आम लोग होते हैं, हाँ जी, होम से लोग होते हैं, वो क्लब में नहीं आते, मतलब शो में नहीं आते, वो रीज़न क्या है, क्यों नहीं आते? वो हर बार वही रिपीट होते हैं, 10-15-20-50 ब्रीडर वही रिपीट होते हैं। आपको कैसे लगा? जैसे मैंने आपसे डॉग लिया, हाँ जी, ठीक है, मैं शो में क्यों नहीं जाता, आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं करते कि आप हमारे शो में आइए? आपको ऐसे कब लगा? नहीं, मुझे तो हर बार महसूस किया है, मुझे तो हर बार लगता है, क्योंकि आप बटाला शो में आके देखो, बिल्कुल नॉर्मल लोग जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो आते हैं और हमको गाइड करते हैं। तो क्या उनको आपने इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि आप, जैसे आपसे कोई कस्टमर डॉग ले गया तो वो तो आपको एक जिम्मेवारी बनती है कि आप डॉग शो में लेकर आइए। मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में यही जवाब दिया ना कि 10-20 हज़ार वाले को हम डॉग नहीं देते, इसीलिए हम पहले पूछते हैं कि भैया आपके पास 2 लाख का बजट है, डॉग तो हम फ्री दे देंगे, एक्चुअली शोज में आने का खर्चा आता है, 2,000 रुपये का एंट्री फीस है, फिर खाना खाना, ड्राइवर, टैक्सी, जो हैंडल करेगा 10,000 रुपये उसकी फीस होती है। अगर कोई 20,000 का खर्चा अफोर्ड कर सकता है वही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा ना, तो चैंपियन बनने के लिए कम से कम 4 शो चाहिए। इसलिए हम कस्टमर से पूछते हैं क्या तुम 2 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर वो 2 लाख इन्वेस्ट कर सकता है डॉग तो हम फ्री दे देंगे, और हमने तो ऐड भी डाली थी आओ हमसे ट्रेनिंग सीखो, ट्रेनिंग फ्री दे रहे हैं। आप 21 दिन की ट्रेनिंग फ्री दे रहे हो डॉग के? हाँ जी, 25 दिन की, अगर हमसे कोई डॉग लेता है उसको 21 दिन की ट्रेनिंग फ्री दे रहे हैं। और एक और इल्ज़ाम लगते हैं क्लब के ऊपर, हाँ जी, कि जजेस हर बार किसी को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। एक ऐसा ना क्या होता है कि आप मेरी तरफ देखिए, दूसरों के हम एग्जाम्पल नहीं देंगे। नहीं, मैं आपके गुरदासपुर कैनल क्लब की बात कर रहा हूँ। वही बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखिए कि मैं गुरदासपुर रहने वाला हूँ, मेरी कोई डॉग की बैकग्राउंड नहीं है, मेरी जजेस किसी से पहचान नहीं है, रॉबिन भी एक साधारण लड़का है, मैं भी एक साधारण लड़का हूँ, तो हमने बिंगो को शो किया, ऑल ओवर इंडिया में जीत के आए, 100+ बिंगो ट्रॉफी ले आया है, तो मैंने आज तक किसी जज को, किसी क्लब को 1 रुपया नहीं दिया, मैं किसी का जानकार ही नहीं हूँ। बिंगो के जीतने के बाद, और इससे पहले हमारी फीमेल है किम ऑफ जेम्स वैली, 4 बार बेस्ट ब्रीडिंग इंडिया रही है, टॉप 3 फीमेल्स में वो रही है, बिंगो टॉप 5 टॉप 3 में रहा है, हमारी किसी से जान पहचान नहीं है, बल्कि इनके जीतने के बाद हमारी जान पहचान बनी है। जब ये जीते हैं तब लोगों ने हमसे हाय हेलो स्टार्ट किया, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जो लड़के इस क्लास में भी फेल हो जाते हैं ना, जहाँ पढ़ाई कम की होती है, वो आके बोलते हैं पापा वहाँ सेटिंग हुई थी, उसकी सिफारिश चल गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास डॉग अच्छा है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं आप में कमी होती है, आप जहाँ घबराए होते हो, जहाँ आपको पूरा काम करना आता नहीं, आपने होमवर्क पूरा किया नहीं होता, तो जज को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, तो बाहर आके वो हार के कहते हैं कि जज के साथ सेटिंग थी। हाँ, वो बोलते हैं सेटिंग हुई है। मेरा कोई एक बंदा निकाल दे, मेरी किसी जज के साथ फोटो हो, किसी सीवी सुदर्शन या किसी भी कैनल क्लब ऑफ इंडिया के किसी बंदे के साथ मेरी किसी के साथ फोटो निकाल दो, इवन कि मैं तो शोज में गया ही नहीं हूँ, आपने तो 50 शो देखे हैं, मैंने सिर्फ पंजाब के शो देखे हैं, और बेंगलोर में, भुवनेश्वर में, कलकत्ता में, गोवा में रॉबिन अकेले ही गए हैं, रॉबिन और बिंगो जाते रहे हैं, और बाकी जो रिजल्ट है वो आपके सामने, भगवान ने फुल कृपा की बारिश की है। अगर आप मेरे साथ घर में चलेंगे तो 200 ट्रॉफीज हैं मेरे पास शो करवाने के लिए। हाँ जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, हाँ जी, एक शो डॉग शो करवाने के लिए क्या खर्चा आता है? डॉग शो करवाने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो डॉग शो हो रहा है वो ग्राउंड हमसे कितने किलोमीटर दूर है, वहाँ सबसे पहले तो वहाँ जाने का खर्चा,
उसके बाद जो डॉग की एंट्री फीस है तकरीबन 1500 से 2000 तक होती है, वो खर्चा आएगा। उसके बाद जो हैंडल, अगर आप स्वयं हैंडलिंग जानते हैं, इसलिए तो हमने 21 का कैंप लगा रहे हैं कि आपको बाहर आपका खर्चा ना करना पड़े। अगर कोई हमारे पास 21 डेज की ट्रेनिंग ले जाएगा तो उसका हर शो में 5000 रुपये, कम से कम 5000 रुपये सेव हो जाएगा, उसको शो करना आ जाएगा। आपको प्रमोट करने के लिए तो हम सिखा रहे हैं कि आइए हमसे फ्री में सीखिए। तो अगर आपको नहीं आती तो आप किसी हैंडलर को बुलाओगे, उसको खाना भी खिलाओगे, उसका सारा खर्चा भी उठाओगे और उसको साथ में हैंडलिंग फीस भी दोगे। 10000 तो आप भी लग जाएगा कस्टमर पर लेके। मैंने आपको पूछा है एज ए प्रेसिडेंट आप डॉग शो जो करवाते हो उसका कितना खर्चा, डॉग शो करवाने का कितना खर्चा? डॉग शो करवाने का, मैं कहा ठीक है जी। नहीं, वो तो हमारे तो फैमिली ने सुन लिया आपका, ठीक है। एक डॉग शो कराने में 3 लाख खर्चा आ जाता है, मतलब 3 लाख में डॉग शो, 3 लाख में डॉग शो हो जाता है। तो और एंट्रीज और प्रमोशन के अलावा और कौन से पैसे आपको आते हैं? और कोई पैसे नहीं आते, और कौन से आते हैं? यही दो से ही डॉग शो की जो एंट्रीज होती है। अगर पैसे कम बढ़ जाएं तो हम जो क्लब मेंबर हैं आपसे डिवाइड करके डाल देते हैं। हम तो हर साल जो प्रत्येक मेंबर है 15-20 हज़ार रुपये अपनी पॉकेट से डालते, खुशी के लिए डालते हैं, कोई जुर्माना नहीं है किसी को। हमें शौक है हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रमोट हो, और हम हर एंट्री के साथ लंच देते हैं। आप किसी भी एग्जीबिटर से पूछ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में कैन क्लब ऑफ गुरदासपुर आपको हर एंट्री के साथ लंच फ्री होता है। आपको कभी लगा है कि जजेस जो होते हैं डॉग शो में आते हैं कहीं करप्शन में फंसे हो? ऐसा मेरे साथ नहीं कभी हुआ। आपके साथ नहीं हुआ, वैसे होता होगा। मैं आप यही तो बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ एग्जांपल हूँ। जो लोग बोलते हैं उन्होंने होमवर्क नहीं पूरा किया होता। हम आपके सामने सीधी एग्जाम्पल है, बिल्कुल छोटे से शहर में रहते हैं। कादिया का नाम लोगों ने सुना ही नहीं होगा, तो कादिया में से निकल के हम इतनी दूर दूर गए हैं, तो हमारी कोई किसी से जान पहचान नहीं है, कोई हमारी सेटिंग नहीं है। बिंगो में एटीट्यूड इतना अच्छा था और रॉबिन के साथ उसकी बाउंडेशन इतनी अच्छी थी कि वो जीता ही गया और टॉप 3 में आ गया। एक भैया हमारे हस्ती हैं इंडिया के, छोटे नवाब जी, हाँ जी, क्या उनको कभी आप शो में बुलाना चाहोगे जी किसी में? क्यों नहीं बुलाना चाहेंगे? और आपका क्या सपना है? हम उनको खुशी से बुलाना चाहेंगे। जब हम आज से 2014 में नोएडा दिल्ली में शो करने गए थे किंग ऑफ जेम्स वैली को, जसकरण जी हैंडलिंग कर रहे थे, तो बड़े नवाब साहब जजिंग कर रहे थे। तो अब बड़े नवाब साहब ने हमारी फीमेल को बेस्ट ब्रीडिंग इंडिया बनाया, तो उनके साथ तो हमारी कोई सेटिंग, किसी के साथ सेटिंग नहीं होती, तो वो भी तो एक चमत्कार ही है ना, क्या है। लेकिन उन्होंने ब्रीड पहचानी और लोगों को बताया कि साइज डज नॉट मैटर, साइज का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। लैब्राडोर का एक्चुअली साइज यही होता है 22 इंच का। वहाँ बड़े बड़े लैब्राडोर आए हुए थे, वो सबको उन्होंने पीछे करके हमारी फीमेल को बेस्ट ब्रीडिंग इंडिया फीमेल दिया और टॉप 3 उसको रैंक दिया। एक आपको और एग्जाम्पल देते हैं, छोटे नवाब साहब जो अम्बाला शो में आए हुए थे जजिंग कर रहे थे, तो हमने रॉबिन उनके अंडर बिंगो को शो कर रहा था, और बिंगो की और रॉबिन की बॉन्डिंग देख के इतने खुश हुए थे वो, और स्पेशल उन्होंने एक स्पीच करी वहाँ लोगों को कि ये देखो ये लैब्राडोर होता है और ये ट्रेनिंग होती है। और वहाँ जो बड़े बड़े ब्रीडर आए हुए थे उनको स्पेशली बोला था डॉग शो करने से पहले रॉबिन के पास जाके कुछ दिन क्लासेस ले आइए, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। तो भैया थोड़ा सा लैब्राडोर में आ जाते हैं। हाँ जी, लैब्राडोर का स्टैंडर्ड तो आपने पिछली वीडियो में भी बताया है। हाँ जी, आजकल जो लोग लैब्राडोर को ब्रीड कर रहे हैं, हाँ जी, जो स्टैंडर्ड के बिना है, हाँ जी, उसको ब्रीड भी कर रहे हैं और चर्चा में भी है, हाँ जी, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो, आपके मन में क्या विचार है? देखिए, कोई अपने घर में कैसा एनिमल बना रहा है हम किसी को मना नहीं कर सकते। एक्चुअल में हम नेचर लवर हैं, एनिमल लवर हैं। कोई कुछ भी पाले हम किसी को पाबंदी नहीं लगा सकते। आपकी क्या चॉइस है? अगर हम आते हैं लैब्राडोर स्टैंडर्ड के बारे में, तो आज से 10-20 साल पहले अमेरिकन लैब्राडोर में मशहूर थे, वो बड़े साइज़ में होते थे, बल्कि होते थे, लेकिन वो भी टाइट स्किन वाले होते थे, स्टेमिना में उनके कमी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे स्टैंडर्ड चेंज होता गया, तो अब आ चुके हैं यूरोपियन लैब्राडोर्स। अमेरिका में भी यूरोपियन चलते हैं, रशिया में भी, हर जगह यूरोपियन लैब्राडोर से चलते हैं। अगर आपने शो को मद्देनज़र रख के करना है तो फिर आपको यूरोपियन लैब्राडोर ही ब्रीड करने पड़ेंगे। तो वैसे एज ए पेट करना तो आप कुछ भी बनाते जाओ, उससे किसी का लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अब आपके, हम कैनल में आ जाते हैं। हाँ जी, आपके कैनल की ब्रीडिंग का बच्चा कितने तक मिलता है, क्या बजट होना चाहिए? मैं आपको वही क्लियर बता रहा हूँ ना कि इसमें पैसे का कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको शो करना आता है तो मैं आपको फ्री में डॉग दे दूंगा। मतलब पैसे का कुछ लेना देना, हम पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। मतलब शो के जो पेपर होंगे आपके, वो आपके नाम पर रहेंगे? अगर मैंने फ्री में लेना? नहीं, पार्टनरशिप में रहेंगे। वो पार्टनरशिप में रहेंगे, आपके नाम भी कर दूंगा, लेकिन आपको पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कोई भी इंडिया में लड़का जो अगर वो बोले कि लो जी उसको शो करना आता है, तो उसको डॉग फ्री दे दूंगा, लेकिन उसको पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी।
जब मेरे पास आए या किसी शो में अपनी कुछ परफॉर्मेंस तो दिखाएंगे, लो भैया मैं जिन्हें इससे पहले मैं इतनी चैंपियन बना चुका हूँ। अगर वो बोले मुझे कुछ करना, ज़्यादा लड़कों के फ़ोन आते हैं भैया शो क्वालिटी पब चाहिए, मैं उससे पूछता हूँ शो क्वालिटी क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। अच्छा, मैं उसको पूछता हूँ शो में कैसे जाते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता। चैलेंज भी नहीं बोलते, चलो इतनी बड़ी बात नहीं बोलते। ज़्यादातर लोग 90% लोगों को लिस्ट डालनी नहीं आती, तो शो करना तो दूर की बात है। अब आप बोलते हैं ना सेटिंग है, ये सेटिंग आपको क्यों लगती है? जब आप डॉग लेके आते हो ग्राउंड के अंदर तो आपने लीश डाली होती है उल्टी, तो जज तो दूर से देख लेते हैं। जज इसलिए तो जज बना है, वो 1 किलोमीटर से देख लेता है लीश उल्टी डाली हुई है। अब जिस लड़के ने लीश ही उल्टी डाली हुई है तो बाकी बातें सारी उल्टी हो गई ना, इंप्रेशन तो आपका वहीं खराब हो गया ना। अगर आपको शो करना आता है, आपने डॉग को सही लीश डाली है, सही तरीके से लेके आ रहे हैं कि डॉग की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो जज इंप्रेस होता है। हाँ यार, इसने मेहनत करी है, इसको शो करना आता है। एक डॉग आप घर से उठा के ले आओ, एक डॉग के ऊपर आपने रोज आधा आधा घंटा मेहनत करी हो, तो डॉग के मसलिंग बनी होते हैं, उसके थाइस बने होते हैं, उसका फ्रंट निकला होता है। जज ऐसे नहीं बन जाता, वो देख लेता कि ये डॉग घर से मेहनत करके आया, इसके पीछे किसी ने मेहनत करी है, इसकी मसलिंग निकली हुई है, इसकी टाइप बनी हुई है, निखरिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक जज उस डॉग को उठाएगा, चाहे जो मर्जी इसके ऊपर प्रेशर भी हो ना, तो जज ऐसे नहीं, अंधा नहीं बन सकता। जज इतना अच्छा काम करो कि जज मजबूर हो जाए कि यार ये इसने लड़के ने काम किया है, ये कार्तिक ने इतना अच्छी मेहनत करी है, सबको छोड़ के मैं इसको उठाऊंगा। ऐसा क्यों नहीं करते आप? केवल जी एक क्वेश्चन और आता है, लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ जी। अगर किसी के पेपर्स, हाँ जी, अगर किसी ब्रीडर से हम बच्चा लेते हैं, हाँ जी, कल को उसके पेपर्स, हाँ जी, उस ब्रीडर के नाम पर नहीं निकलते, आप समझ गए मेरा कहना? हाँ हाँ। कि अगर मैंने केवल कृष्ण जी से, हाँ, जेम्स वैली से बच्चा लिया, हाँ जी, कल को वो जब आप मुझे पेपर देते हो, वो किसी और वैली का निकलता है या, हाँ, किसी और कैनल का निकलता है, ठीक है, तो हम क्या एक्शन ले सकते? पूरा एक्शन ले सकते हो आप। पहले तो आप जिस डॉग ले रहे हो उसे पेपर वर्क कम्प्लीट करवाइए, एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर सारा लिखाइए कि मैं ये फलां ब्रीड का, ये पेरेंट्स का, ये लाइन का, ये माइक्रोचिप का, ये डेट ऑफ बर्थ का पपीज ले रहा हूँ। अगर वो बाद में वो उसके साथ मैच नहीं करते हैं तो सारी उसके पेपर की फोटोस्टेट करा के कैनल क्लब ऑफ इंडिया में पोस्ट कर दीजिए, उस बंदे की ब्रीडिंग बैन हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। अगर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में ऐसा कोई केस आता तो आप एज ए प्रेसिडेंट आप उसका एक्शन ले हल करवा सकते हैं, एक्शन ले, आप एक्शन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते। मुझे कोई आके रिटर्न में कंप्लेंट करे, मौखिक कंप्लेंट नहीं चलेगी, उसको लिखित कंप्लेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है लोग बाद में मुकर भी जाते हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था भैया, आपसे गलतफहमी हो गई है। केवल जी आप इतना अच्छा जवाब देते हो और ओपनली देते हो, आपने आज मुझे जजेस के बारे में बताया, क्लब के बारे में बताया और थोड़ा बहुत अपनी ब्रीडिंग के बारे में बताया, वो हमारे सब्सक्राइबर आपसे और ज्ञान लेना चाहेंगे, इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम तो हम केवल जी को कभी भी ले सकते हैं अपने कैमरा में। अगर आपके कोई क्वेश्चन और भी हो तो कमेंट कर दीजिए, केवल जी कोशिश करेंगे वहाँ पर कमेंट का जवाब देने के लिए। थैंक यू केवल जी। और रॉबिन जी, रॉबिन जी एक अच्छे केसीआई के हैंडलर हैं, आप इनसे अगर पप्पी लेते भी हो तो इनका एक ऑफर कह लो या प्लान कह लो, 21 दिन की ये एक ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप इसको लाभ उठा सकते हो इस फ़ायदे का। आप इनको, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अगर कोई स्टैंडर्ड आपने पूछना भी है तो केवल जी को तंग कर सकते हो। थैंक यू केवल जी। थैंक यू। जय हिंद।